नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नर्सिंग एकेडमी। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेकर फिर से हाजिर है मोस्ट 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181 टू 190, मोस्ट पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन। मेरे प्यारे साथियों, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। पुराने वीडियो देखने के लिए आप YouTube पे नर्सिंग एकेडमी सर्च कर सकते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 181। ड्यूरिंग द इनिशियल फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विथ ए प्रेशर अल्सर, एक पेशेंट है प्रेशर अल्सर का, एडमिट हुआ है, उसका इनिशियल फिजिकल असेसमेंट करना है। ए नर्स ऑब्जर्व करती है दैट द क्लाइंट स्किन इज ड्राई एंड स्कैली, क्लाइंट की स्किन ड्राई और स्केल स्कार बने हुए हैं, स्केली है, स्केली मीन्स पपड़ीदार या परत जैसा। द नर्स अप्लाई इमोलेंट एंड री इन्फोर्स द ड्रेसिंग ऑन द प्रेशर अल्सर। नर्स इमोलेंट अप्लाई करती है, इमोलेंट मीन्स सोपनर, जैसे वेसलीन वगैरह, ड्रेसिंग ऑन द प्रेशर अल्सर। लीगली वर द नर्सेज एक्शन एडिक्वेट, क्या लीगली नर्सेस का एक्शन एडिक्वेट है? ऑप्शन वन, कौन सा एक्शन एडिक्वेट है? ऑप्शन वन, द नर्स शुड हैव इनिशिएटेड ए प्लान टू इंक्रीज एक्टिविटी, नर्स को प्लान एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए प्लान एक बनाना चाहिए। द नर्स प्रोवाइड सपोर्टिव नर्सिंग केयर फॉर द वेल बींग ऑफ द क्लाइंट, नर्स क्लाइंट को वेलबींग अच्छा होने के लिए सपोर्टिव केयर प्रदान करती है। डिब्रीमेंट ऑफ द प्रेशर अल्सर शुड हैव बीन डन, प्रेशर अल्सर का डिब्रीमेंट, डिब्रीमेंट मीन्स होता है जो डेड टिश्यूज है उनको हटाना, डिब्रीमेंट मीन्स द रिमूवल ऑफ डेड टिश्यूज, डेड टिश्यूज है उनको हटाना, शुड हैव बीन हटाना चाहिए प्रेशर अल्सर के डेड टिश्यूज को, डिब्रीमेंट करना चाहिए, बीन डन बिफोर द ड्रेसिंग वॉज अप्लाइड, ड्रेसिंग अप करने से पहले। ट्रीटमेंट शुड नॉट हैव बीन इनिशिएटेड, ट्रीटमेंट नहीं शुरू करना चाहिए अंटिल, जब तक कि द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर वर रिसीव, जब तक कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑर्डर रिसीव नहीं हो जाते। गेस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, द नर्स प्रोवाइड सपोर्टिव नर्सिंग केयर फॉर द वेल बींग ऑफ द क्लाइंट। कौन सा एक्शन अप्रोप्रिएट है? अप्रोप्रिएट एक्शन है कि सपोर्टिव केयर प्रदान करेगी क्लाइंट को वेल बींग या क्योर होने के लिए। रेशनल देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द नर्स प्रैक्टिस एक्ट, नर्स प्रैक्टिस एक्ट के अनुसार ए नर्स मे बी इंडिपेंडेंटली ट्रीट ह्यूमन रेस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। नर्स का रोल इंडिपेंडेंट रोल होता है ह्यूमन रेस्पॉन्स के लिए, एक्चुअल और हेल्थ प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, अकॉर्डिंग टू नर्स प्रैक्टिस एक्ट, दैट इज द नर्सेज इंडिपेंडेंट एक्शन टू द प्रोवाइड सपोर्टिव केयर। एंड एक्टिविटी लेवल इज प्रिस्क्राइब्ड बाय हेल्थ केयर प्रोवाइडर, दिस इज डिपेंडेंट फंक्शन ऑफ द नर्स। ऑप्शन वन क्या कह रहा है कि एक प्लान बनाना एक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, दैट इज डिपेंड ऑन द अदर्स वर्कर्स, जैसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर्स। ऑप्शन थ्री, डिब्रीमेंट इज, दैट इज नॉट शो की डिब्रीमेंट करना है कि डेड टिश्यूज हैं, एक पपड़ी बना हुआ, बट ये क्वेश्चन नहीं बता रहा कि स्किन ड्राई है कि डेड टिश्यूज प्रेजेंट है। देन ऑप्शन थर्ड इज रिमूव्ड। ऑप्शन फोर, एप्लीकेशन ऑफ इमोलेंट और री इन्फोर्समेंट ड्रेसिंग आर इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन। इमोलेंट और री दोबारा ड्रेसिंग करना इंडिपेंडेंट नर्सिंग एक्शन है, बट हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑप्शन नंबर टू को। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 182, एन इमेसिएटेड ओल्ड एडल्ट विद डिमेंशिया, एक बहुत कमजोर, इमेसिएटेड का मतलब होता है वीक, ओल्ड एडल्ट जो जिसको डिमेंशिया, डिमेंशिया मीनिंग है वर्ड साइकेट्रिक का, जिसका मीनिंग होता है दैट इज मेमोरी लॉस और जजमेंट, मतलब ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब होना, मेमोरी लॉस और जजमेंट लॉस हो जाता है, डेवलप ए लार्ज प्रेशर अल्सर, उसको डिमेंशिया वाले पेशेंट ओल्ड एडमिट हुआ है, उसको बड़े बड़े प्रेशर अल्सर डेवलप होते हैं आफ्टर रिफ्यूजिंग टू चेंज पोजिशन, चेंज पोजिशन चेंज करने के लिए मना करने के बाद फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। एक ओल्ड एडल्ट
जिसको प्रेशर अल्सर है वो पोजीशन चेंज के लिए मना कर देता है लंबे समय के बाद। द फैमिली ब्लेम, फैमिली उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, फैमिली मेंबर्स हैं वो ब्लेम करते हैं नर्स को, थ्रेटन टू स्यू, और फाइल, स्यू मीन्स ब्लेम लगाना, स्यू मीन्स एक क्लेम फाइल करना, स्यू मीन्स क्लेम फाइल करना, और एक क्लेम फाइल करते हैं। व्हाट शुड द कंसिडर वेन डिसाइडिंग हु इज टू ब्लेम, ये ब्लेम डिसाइड, ये डिसाइड होने के बाद कि उसको ब्लेम या उसके अगेंस्ट क्लेम फाइल किया गया है, नर्स क्या करेगी। ऑप्शन वन, द क्लाइंट शुड हैव बीन ट्रेंड रेगुलरली, क्लाइंट को रेगुलरली ट्रेन करना चाहिए, ट्रेन करने के लिए गाइड करेंगे। ओल्डर क्लाइंट फ्रीक्वेंटली डेवलप प्रेशर अल्सर, ओल्डर क्लाइंट मोस्ट कॉमनली प्रेशर अल्सर डेवलप हो जाता है। द नर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू क्लाइंट्स फैमिली, नर्स क्लाइंट्स फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नर्सेज शुड रेस्पेक्ट ए क्लाइंट्स राइट नॉट टू बी मूव्ड, नर्स को क्लाइंट्स का राइट रेस्पेक्ट, क्लाइंट राइट का रेस्पेक्ट करना चाहिए, उसको मूव नहीं कराना चाहिए। देख द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्वेश्चन को समझना है। एक डिमेंशिया का पेशेंट है, पोजीशन चेंज करने के लिए मना कर देता है, उसका फैमिली मेंबर उस पर क्लेम फाइल करते हैं कि नर्स की गलती है। इसके समझने के बाद ऑप्शन में से नर्स कौन सा कलेक्ट डिसाइड करेगी। गेस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन, द क्लाइंट शुड हैव बीन ट्रेंड रेगुलरली। हम लास्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि पेशेंट का राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, देन यहाँ पे चेंज द पोजिशन इज द इंपॉर्टेंट। रेशनल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, द क्लाइंट शुड चेंज पोजिशन एटलीस्ट एवरी 2 आवर, क्लाइंट को पोजिशन हर 2 घंटे से चेंज करना चाहिए। टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, प्रेशर अल्सर को रोकने के लिए, ये पॉइंट या कंसेप्ट याद रखना है, एवरी 2 आवर प्रेशर अल्सर को रोकने के लिए हॉस्पिटल एडमिटेड पेशेंट हर 2 घंटे से पोजीशन चेंज करना। द नर्स शुड नॉट डिविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड क्लाइंट रिफ्यूज टू मूव, नर्स को स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उससे दूर नहीं जब उसके लिए फॉलो करना है। कॉग्निटिव इम्पेयर्ड या डिमेंशिया का जो पेशेंट है वो पोजिशन चेंज कर लेकिन मना कर सकता है, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है। द नर्स वॉज नेग्लेक्ट फॉर नॉट चेंजिंग द क्लाइंट, यदि क्लाइंट की पोजीशन नर्स चेंज नहीं कर रही है, उसको गाइड नहीं कर रही है, दैट इज द नेग्लिजेंसी। ऑप्शन टू, प्रेशर अल्सर में अकर, नर्सिंग केयर मस्ट इंक्लूड प्रिवेंटिव मेजर्स, पर प्रेशर अल्सर हो सकता है, नर्स को प्रिवेंटिव मेजर देना चाहिए। द फैमिली इज इंक्लूडेड इन हेल्थ टीम, फैमिली को भी हेल्थ केयर या क्लाइंट केयर के लिए इंक्लूड करना चाहिए। वेन ए केपेबल क्लाइंट्स रिफ्यूज नेसेसरी हेल्थ केयर, यदि क्लाइंट नेसेसरी हेल्थ केयर के लिए मना कर देता है, द नर्स शुड प्रोवाइड हेल्थ टीचिंग टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, नर्स को गाइड करना चाहिए हेल्थ टीचिंग के द्वारा पोजीशन चेंज करने के लिए या उसको समझ ट्रीटमेंट प्लान समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। इफ द क्लाइंट्स मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन आफ्टर एक्सप्लेनेशन, देन द क्लाइंट राइट मे बी रेस्पेक्टेड, यदि इसके बाद भी क्लाइंट मना करता है, देन शुड द इन्फॉर्म कंसेंट, क्लाइंट्स का केयर का राइट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट्स राइट इज ऑलवेज द इंपॉर्टेंट। हाउएवर द क्लाइंट इज कॉग्निटिवली इम्पेयर्ड, क्लाइंट क्या है, मानसिक रूप से इम्पेयर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, आफ्टर रिकवरी फ्रॉम ए मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन फॉर ओरोफेरिंजियल कैंसर, द क्लाइंट रिसीव एक्सटर्नल रेडिएशन टू द ऑपरेटिव साइट फॉर विच मोस्ट क्रिटिकल रिएक्शन टू द रेडिएशन शुड बी द नर्स असेस द क्लाइंट। एक क्लाइंट है ओरोफेरिंजियल कैंसर का जिसको मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन हुआ, डिसेक्शन मीन्स एम्पुटेशन या कैंसर वाला पार्ट को क्या होना, हटाना, सर्जरी हुई, द क्लाइंट रिसीव, उसके बाद उसको रेडिएशन थेरेपी मिल रहा है, कौन सा टाइप का, एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, मोस्ट क्रिटिकल रिएक्शन नर्स असेस करेगी, कौन सा क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल रिएक्शन या कौन सा सिम्टम जो कॉम्प्लिकेशन शो कर रहा है नर्स असेस कर रही है। ऑप्शन देखिएगा, ड्राई माउथ ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 स्किन रिएक्शन, ऑप्शन 3 म्यूकोसल एडिमा, ऑप्शन 4 बोन मेरो सप्रेशन। चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन शो कर रहा है या और कौन से ऑप्शंस क्या है नॉर्मल कंडीशन में। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3 म्यूकोसल एडिमा। म्यूकोसल एडिमा क्यों करेक्ट है, क्योंकि डिसेक्शन के कारण ओरल म्यूकोसा
दिस ड्राई माउथ स्किन रिएक्शन बोन मेरो सप्रेशन आर द नॉर्मल थिंग्स दैट इज एक्सपेक्टेड. ओरल म्यूकोसा क्या करेगा, रेस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा. रेस्पायरेटरी एरिया है दैट इज शुड गिवन द प्रायोरिटी. रेशनल देखिए, द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द ओरल कैविटी ओरोफेरिंग्स एंड इसोफेगस इज सेंसिटिव टू द इफेक्ट ऑफ रेडिएशन थेरेपी. ओरल लाइनिंग जो ओरल टिश्यूज होते हैं वो रेडिएशन थेरेपी के प्रति सेंसिटिव होते हैं. द इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स कॉजेज म्यूकोसल इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स के कारण या इन्फ्लामेशन के कारण उसको क्या हो जाता है, म्यूकोसल एडिमा हो जाता है. देन में प्रोग्रेस टू एन एयरवे, उसके कारण एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. हम प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट पढ़ा था ए बी एंड सी. यहाँ पे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाला म्यूकोसल एडिमा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है. देन दिस वन इज द राइट आंसर. ए डिक्रीज इन स्लेवरी सीक्रेशन रिजल्ट इन ड्राई माउथ में इंटरफेयर विथ न्यूट्रिशनल इनटेक बट इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग. ड्राई माउथ होता है बट ये क्या नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है. इरिदमा रेडनेस, इरिदमा का मीनिंग है स्किन पे लाल चकते टाइप में होना. इरिदमा ऑफ द स्किन में कोज ड्राई और वेट डिस्क्यूमिनेशन. डिस्क्यूमिनेशन का मतलब है स्किन का उतरना, बट इट इज नॉट द लाइफ थ्रेटनिंग. इरिदमा हो सकता है, स्किन उतर सकती है, हट सकती है, ड्राई हो सकती है, वेट भी हो सकती है, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है. रेडिएशन टू द नेक एरिया शुड नॉट प्रोड्यूस एन सिग्निफिकेंट बोन मेरो सप्रेशन एंड रेडिएशन टू द अदर साइड. यदि नेक एरिया पे रेडिएशन दे रहे हैं मॉडिफाइड नेक डिसेक्शन के बाद, देन नेक एक पर्टिकुलर पार्ट पे बोन मेरो सप्रेशन नहीं करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184. ए क्लाइंट एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट बीइंग एक्सपोज टू रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट कैन कोज कैंसर. व्हाट शुड द नर्स इम्फेसाइज व्हेन इन्फॉर्मिंग द क्लाइंट अबाउट एक्सपोजर टू द रेडिएशन. एक पेशेंट या क्लाइंट रेडिएशन थेरेपी से एक्सपोज होने के बाद चिंता व्यक्त करता है या चिंतित होता है. नर्स रेडिएशन थेरेपी के एक्सपोजर के इंफॉर्मेशन के बाद किस बात पे जोर देगी. इम्फेसाइज मींस जोर देना, ध्यान देगी. ऑप्शन वन द डोजेज इज केप्ट एट मिनिमम, डोज को मिनिमम रखेगी. ऑप्शन टू ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ बॉडी इरेडिएटेड, बॉडी का थोड़ा सा पार्ट इरेडिएटेड होगा. इरेडिएटेड मींस प्रभावित होना या चमकीला होना. नेक्स्ट ऑप्शन द क्लाइंट्स फिजिकल कंडीशन इज नॉट ए रिस्क फैक्टर, क्लाइंट की फिजिकल कंडीशन ए रिस्क फैक्टर नहीं है. न्यूट्रिशन एनवायरमेंट ऑफ द अफेक्टेड सेल इज ए रिस्क फैक्टर, अफेक्टेड सेल का न्यूट्रिशनल एनवायरमेंट रिस्क फैक्टर है. गेट का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू. ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी इज इरेडिएटेड, की रेडिएशन थेरेपी से एक्सपोज कैंसर के लिए एक पर्टिकुलर पार्ट भी दिया जाता है. दैट मीन्स केवल जिस पार्ट पे रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं वो ही अफेक्ट होगा. रेशनल देखिए, द करंट रेडिएशन थेरेपी एक्यूरेटली टारगेट मेलिग्नेंट लेजेंस. आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रेडिएशन थेरेपी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, जो केवल वही पार्ट टारगेट होता है जो जिसपे मेलिग्नेंट लेजेंस या कैंसर वाले सेल्स को ही टारगेट करता है विथ पिन पॉइंट प्रिसिशन स्मॉल पार्ट के साथ. मिनिमाइजिंग द डिट्रिमेंटल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन थेरेपी टू हेल्थी टिश्यूज. रेडिएशन थेरेपी के इफेक्ट को कम करने के लिए जो हेल्थी टिश्यूज हैं उनके ऊपर. द डोज इज नॉट ए सिग्निफिकेंट एज द एक्सटेंट ऑफ टिश्यू बीइंग इरेडिएटेड. डोज को हम कम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते टिश्यू के एक्सटेंट के लिए आधार पर. When radiation therapy is prescribed, the healthcare provider take into the consideration the ability of the client to tolerate the therapy, determining that the benefit of the risk. The radiation therapy जब prescribed की जाती है तो healthcare provider the patient की जो cells है या उसकी age, factor, weight सब ability check करता है. And also the focus on the tolerance of therapy. उसकी सहन शक्ति की radiation therapy किस अफोर्ड करेगा नहीं करेगा. डिटरमाइन दैट द बेनिफिट, उसके इफेक्ट एंड फायदे को भी
निर्धारित करता है। न्यूट्रिशनल एनवायरमेंट ऑफ द अफेक्टेड सेल्स इज ए रिस्क फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस रेडिएशन इफेक्ट। एक रिस्क फैक्टर है न्यूट्रिशनल सेल्स की न्यूट्रिशनल कंडीशन या न्यूट्रिशनल एनवायरमेंट, बट रेडिएशन इफेक्ट को कम या इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बढ़ाता है कम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 185। ए क्लाइंट हु इज रिसीव रेडिएशन थेरेपी फॉर ए कैंसर सेज टू द नर्स। एक पेशेंट जो कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी ले रहा है, नर्स से बोलता है, माय फैमिली सेड आई विल गेट ए रेडिएशन बर्न। मेरी फैमिली वाले मुझे बोलते हैं कि मुझे रेडिएशन बर्न हो गया है। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रेस्पॉन्स, नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ऑप्शन वन, योर स्किन विल लुक लाइक ए सनबर्न। ऑप्शन का रेस्पॉन्स होगा कि आपकी स्किन सनबर्न की जैसी दिखाई देती है, जैसे सनबर्न से हो जाता है। ए लोकलाइज स्किन रिएक्शन विजुअली अकर, एक लोकलाइज स्किन रिएक्शन सामान्य रूप से होती है। ए डेली एप्लीकेशन ऑफ एन इमोलेंट विल प्रिवेंट ए बर्न। इमोलेंट लगाने से स्किन बर्न की कंडीशन को हम रोक सकते हैं। योर फैमिली मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस विद रेडिएशन थेरेपी। आपकी फैमिली को क्या एक्सपीरियंस है रेडिएशन थेरेपी के बारे में? गेट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2। ए लोकलाइज स्किन रिएक्शन कॉमनली अकर। हम नर्स को वो रेस्पॉन्स देना है दैट इज द ट्रू एंड फैक्टफुल। रेशनल देखिए, रेडियो डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन, दैट इज द डर्मेटाइटिस। रेडियो डर्मेटाइटिस रेडिएशन थेरेपी के कारण होने वाला डर्मेटाइटिस या स्किन में इन्फ्लामेशन अकर 3 to 6 वीक आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। मोस्ट कॉमनली 3 से 6 वीक पे होता है रेडिएशन थेरेपी स्टार्ट होने के बाद या ट्रीटमेंट। वेन द वर्ड बर्न शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट मे इंक्रीज एंजाइटी। बर्न शब्द यूज नहीं करना चाहिए नर्स को, क्योंकि ये एंजाइटी डेवलप कर सकता है या पेशेंट को चिंता में डाल सकता है। इमोलेंट आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, दे मे अल्टर द कैलकुलेटेड एक्सरे रूट एंड द इंजर हेल्थी टिश्यूज। इमोलेंट जैसे वेस्लिन वगैरह चीजें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ये एडवाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक्सरे की जो रूट है उसको इफेक्ट कर देंगे, उसके बारे में पता नहीं चलेगा और हेल्थी टिश्यूज को इंजर भी कर सकती है। योर फैमिली मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस विद रेडिएशन थेरेपी रिस्पॉन्स डज नॉट एड्रेस द क्लाइंट कंसर्न। ये रिस्पॉन्स नर्स का क्लाइंट कंसर्न या क्लाइंट की जो चिंता है या टेंशन है उसके पे फोकस नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 186। ए नर्स अप्लाई एन आइस पैक टू ए क्लाइंट लेग फॉर 20 मिनट। एक नर्स क्लाइंट के लेग पे आइस पैक अप्लाई करती है 20 मिनट के लिए। What clinical indicator help the nurse determine the effectiveness of treatment? कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर ये निर्धारित करता है कि आइस पैक का इफेक्ट इफेक्टिवनेस है या इफेक्टिव है? ऑप्शन वन, लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया बताएगा, पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होगा, मतलब आइस पैक से क्या फंक्शन है, क्या वर्क करेगा? डिप्रेशन ऑफ वाइटल साइन डिप्रेस करेगा, डिक्रीज विस्कोसिटी या ब्लड के गाढ़ेपन को कम करेगा, डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, एक्ट एज ए लोकल एनेस्थीसिया। आइस पैक किसके रूप में काम करेगा? लोकल एनेस्थीसिया के रूप में। रेशनल देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोल्ड रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ पेन। कोल्ड पेन की सेंसिटिविटी को कम करता है पेन रिसेप्टर इन द स्किन। कोल्ड क्या काम करेगा? जो पेन रिसेप्टर है उसकी सेंसिटिविटी को स्किन के ऊपर कम करता है। इन एडिशन लोकल ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, लोकल ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, लिमिटिंग द अमाउंट ऑफ एडिमा, एडिमा के अमाउंट को कम लिमिट करता है या कम करता है। इट्स रिलेटेड प्रेशर एंड डिस्कम्फर्ट, एंड डिस्कम्फर्ट को ठीक करता है। दैट मीन्स फंक्शन क्या है आइस पैक का, या कॉन्स्ट्रक्शन कराना, एडिमा को लिमिट करना, पेन रिसेप्टर की सेंसिटिविटी को कम करना। दैट एक्ट एज ए आल्सो लोकल एनेस्थीसिया। पेरिफेरल वेसोडाइलेशन हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। डिप्रेशन ऑफ वाइटल साइन एलिमिनेट करेंगे। डिक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इट शुड आल्सो एलिमिनेटेड। लोकल ब्लड वेसल्स को क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। लोकल कोल्ड एप्लीकेशंस डोंट डिप्रेस द वाइटल साइन। वाइटल साइन पे लोकल
में कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वाइटल साइन का रेगुलेशन क्या है, बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम कंट्रोल करता है। लोकल कोल्ड एप्लीकेशन डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी को पेरिफेरल एप्लीकेशन कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दिस इज नॉट ए क्लिनिकल इंडिकेटर दैट ए नर्स कैन ऑब्जर्व, ये कोई क्लिनिकल इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेशन नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, लोकल एनेस्थीसिया, बाकी आइस पैक के क्या फंक्शन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, ए होमलेस पर्सन इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक होमलेस या अननोन पेशेंट है या पर्सन है जिसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है, आफ्टर प्रोलोंग्ड एक्सपोजर टू द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के प्रोलोंग्ड एक्सपोजर या ठंड के ज्यादा समय में एक्सपोजर होने के बाद, व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथर्मिया डज द नर्स एंटिसिपेट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम हाइपोथर्मिया का नर्स एंटिसिपेट करती है या आशा सोचती है कि हाइपोथर्मिया से ये हो सकता है। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, जो हो सकते हैं वो सारे सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्टूपर, सेकंड इरिदिमा, स्टूपर हो सकता है या नहीं, इरिदिमा हो सकता है या नहीं, इंक्रीज एंजाइटी, एंजाइटी बढ़ेगी हाइपोथर्मिया से, रैपिड रेस्पिरेशन की रेट बढ़ेगी या नहीं, पेरेस्थेसिया इज अफेक्ट बॉडी पार्ट्स, पेरेस्थेसिया मतलब सुन होना, बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा। यस द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1 और 5, स्टूपर, हाइपोथर्मिया से बॉडी स्टूपर हो जाएगा एंड पेरेस्थीसिया इज अफेक्टेड बॉडी पार्ट। जो जो बॉडी पार्ट से अफेक्ट हुआ है किससे, कोल्ड वेदर से, दैट इज उनका पेरालिसिस या पेरेस्थीसिया हो जाएगा या सुन्नपन हो जाएगा उसमें। रेशनल देखिए, स्टूपर में अकर विथ हाइपोथर्मिया बिकॉज ऑफ स्लोड सेरेब्रल मेटाबॉलिक प्रोसेस। हाइपो जो कोल्ड वेदर है वो क्या करेगा, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को कम कर देगा, उसके कारण उसको हाइपोथर्मिया की कंडीशन के कारण स्टूपर या सुन्नपन, जड़त्व जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। हाइपोथर्मिया से पेलर की कंडीशन डेवलप होती है, न कि इरिदिमिया। पेलर का मतलब होता है पीलापन होना, इरिदिमिया मतलब स्किन पे लाल लाल चकते जैसे निशान होना। इट इज प्रेजेंट एज ए रिजल्ट ऑफ पेरिफेरल वेसो कॉन्स्ट्रक्शन। जो आइस होती है उस वो क्या काम, हम लास्ट वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि वेसो कॉन्स्ट्रक्शन का काम करती है, पेरोफेरल वेसो कॉन्स्ट्रक्शन के कारण स्किन डेट कैसी हो जाएगी, पेलर। डाउजीनेस अकर, डाउजीनेस होता है, द क्लाइंट इज अनेबल टू फोकस ऑन एंजाइटी, उसमें डाउजीनेस हो जाता है बट एंजाइटी पे फोकस नहीं कर पाता, प्रोड्यूसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि कोल्ड के कारण उसका मेटाबॉलिज्म स्टूपर की कंडीशन में डेवलप, रेस्पायरेशन आर डिक्रीज, आइस या कोल्ड वेदर के कारण रेस्पायरेशन कम होता है। पेरिफेरल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ कोल्ड ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, रिजल्ट इज पेरास्थीसिया इन द अफेक्टेड बॉडी पार्ट। पेरिफेरल वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है, उसके कारण जो बॉडी पार्ट है जो जो अफेक्ट हुए हैं उसमें पेरेस्थीसिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। पेरेस्थीसिया मीन्स टिंगलिंग या नमनेस होना, सुनपन आना, पेरेस्थीसिया इज द टिंगलिंग या नमनेस या सुनपन आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188, एन ओल्डर एडल्ट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक ओल्डर एडल्ट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया आफ्टर बीइंग फाउंड इन स्ट्रीट विदाउट कोट ड्यूरिंग ए स्नो स्टॉर्म। बर्फबारी के दौरान बिना कोट पहने हुए गली के अंदर गिरा हुआ है, पड़ा हुआ मिला है। व्हाट एक्शन शुड द नर्स इंप्लीमेंट, नर्स कौन सा एक्शन इंप्लीमेंट करेगी। सिलेक्ट ऑल अप्लाई, ऑल सिलेक्ट करने जो करेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन 1, मसाज एक्सट्रीमिटी, एक्सट्रीमिटीज को मसाज करेगी। ऑब्टेन रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर लेगी। असेस द फिंगर फॉर एरिया ऑफ फ्रॉस्ट बाइट, फिंगर को असेस करेगी कि कौन कौन सा एरिया में फ्रॉस्ट बाइट हुआ है। डिटरमाइन क्लाइंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाइंट के कॉन्शियस लेवल को डिटरमाइन करेगी। आस्क फॉर इन आइडेंटिफिकेशन सो दैट द फैमिली कैन बी नोटिफाइड, आइडेंटिफाई उसका नाम वाम पूछेगी ताकि फैमिली को इन्फॉर्म किया जा सके। फ्रोस्ट बाइट मीन्स इंजरी ऑफ टिश्यूज, बॉडी टिश्यूज आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड, कोल्ड के या बर्फ के अंदर होने के बाद जो टिश्यूज की इंजरी हो जाती है, दिस वन इज द फ्रोस्ट बाइट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल नोज, फिंगर, टोई आदि के अंदर गैंग्रीन लाइक कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड के कारण। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। ऑब्टेन ए रेक्टल टेम्परेचर। रेक्टल टेम्परेचर लेगी क्योंकि ओरल टेम्परेचर एक्यूरेट एंड एक्सिलरी टेम्परेचर एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बताएगा बॉडी के कोल्ड होने के कारण। असेस द फिंगर फॉर एरिया ऑफ फ्रॉस्ट बाइट, कि जो फिंगर्स हैं वो डैमेज तो नहीं हुई है, इंजरी तो नहीं हुई है बर्फ के कारण। डिटरमाइन क्लाइंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस चेक करेगी। आस्क द आइडेंटिफिकेशन, उसका नाम पूछेगी ताकि फैमिली को इन्फॉर्म किया जा सके या नोटिफाई किया जा सके। रेशनल। मसाज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बिकॉज इट मे इंजर टिश्यू दैट हैव सस्टेन्ड फ्रॉस्ट बाइट। मसाज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि जो जिन टिश्यूज को इंजरी हुई है उनको और ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं या ज्यादा नुकसान हो सकता है। रेक्टल टेम्परेचर प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर इन द फ्रॉस्ट बाइट पेशेंट ड्यू टू द एक्यूरेसी। वी शुड चेक द रेक्टल टेम्परेचर। हमें रेक्टल टेम्परेचर चेक करना चाहिए जो कोल्ड से एक्सपोजर हुआ है। जो ओरल टेम्परेचर और एक्सिल टेम्परेचर एक्यूरेसी नहीं होगी। ओल्डर एडल्ट हैव बीन सबक्यूटेनियस फैट, लेस सबक्यूटेनियस फैट एंड इनसफिशियंट टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। ओल्डर एडल्ट के अंदर फैट सबक्यूटेनियस कम होती है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म उतना एक्यूरेट नहीं होता जितना यंग में होता है। विच मेक देम वल्नरेबल टू एक्सट्रीम, वो उसको सहनशील बनाएगी, मतलब उसके योग्य बनाएगी टू एक्सट्रीमिटीज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, कि जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है या जो बर्फबारी हो रही है उससे ज्यादा नुकसान होगा। द एक्सट्रीमिटीज आर मोर डिस्टल साइड फॉर सर्कुलेशन। एक्सट्रीमिटीज सर्कुलेशन से दूर होती हैं, मतलब उनमें ब्लड का फ्लो अकॉर्डिंग टू अदर बॉडी पार्ट एक्सट्रीमिटीज में कम होता है एंड आर एट रिस्क, इंक्रीज द रिस्क, जिसके कारण उसमें फ्रॉस्ट बाइट से ज्यादा नुकसान या इंजरी के चांसेस रहते हैं। हाइपोथर्मिया डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन। हाइपोथर्मिया बर्फबारी से, स्नो स्टॉर्म से पेशेंट पे हाइपोथर्मिया होगा, उसका टेम्परेचर कम होगा, उससे सेरिब्रल परफ्यूजन या सेरिब्रल जो ब्रेन है उसमें ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, विच विल रिजल्ट इन कंफ्यूजन, उसके कारण उसको कंफ्यूजन और डिक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगा। सिग्निफिकेंट ऑदर शुड बी नोटिफाइड ऑफ द क्लाइंट्स एडमिशन टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। जो भी उसके रिलेटिव उनको नोटिफाई करना चाहिए। इफ कंडोनेंड बाय द क्लाइंट, यदि क्लाइंट से आइडेंटिफाई कर सके, सिग्निफिकेंट ऑदर कैन प्रोवाइड एडिशनल क्लाइंट इन्फॉर्मेशन मे बी सपोर्ट टू द क्लाइंट। उसके फैमिली मेंबर से हम उसका और असेस कर सके और हेल्थ हिस्ट्री ले सके इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। ए क्लाइंट रिपोर्ट सीवियर पेन 2 डे आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद ए क्लाइंट सीवियर पेन रिपोर्ट करता है। विच इनिशियल एक्शन शुड द नर्स टेक आफ्टर असेसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेन। कौन सा इनिशियल एक्शन लेगी नर्स कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टर ऑफ पेन को असेस करने के बाद। पॉइंट पे फोकस करना, इनिशियल मतलब एक्शन सारे हैं, उनमें से इनिशियल फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सा होगा। इंक्रीज रेस्ट, रेस्ट के लिए बोलेगी। ऑब्टेन द वाइटल साइन, वाइटल साइन लेगी। एडमिनिस्टर द पीआरएन, पीआरएन मींस वेन रिक्वायर्ड, एनाल्जेसिक जब जरूरत होगी तब एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेगी। डॉक्यूमेंट द क्लाइंट्स पेन रेस्पॉन्स, क्लाइंट के पेन रेस्पॉन्स को डॉक्यूमेंट करेगी। डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में प्रायोरिटी देखना है। गेस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 2, ऑब्टेन द वाइटल साइन ए बी सी के बाद, दैट इज उसके बाद हम वाइटल साइन चेक करेंगे। यहाँ पे रेस्ट कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। एनाल्जेसिक वाइटल साइन के बाद आता, दैट इज एलिमिनेटेड। डॉक्यूमेंट दैट इज द लास्ट। जब वाइटल साइन, एनाल्जेसिक और पेन कंट्रोल हो जाएगा उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। रेशनल देखिएगा। इमिडिएटली बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनाल्जेसिक एन असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन इज नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर एनी कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द मेडिकेशन एक्सिस्ट। असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन के बाद हम एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे। ये डिसाइड करना है कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है मेडिकेशन का जो पेन के लिए दे रहे थे, जिसके कारण बीपी कम हो गया है या उसका रेस्पिरेटरी रेट 12 जो नॉर्मल है उसके बराबर या उससे ज्यादा तो नहीं है। पेन प्रिवेंट बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रेस्ट।
पेन साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रेस्ट को अफेक्ट करता है। बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनाल्जेसिक द नर्स मस्ट चेक द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रिस्क्रिप्शन। एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करने का राइट हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पहले डिस्कस करना है, नर्स का राइट नहीं। द टाइम ऑफ लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये भी चेक करना है कि लास्ट टाइम कितना या कब एनाल्जेसिक लिया था एंड द क्लाइंट के वाइटल साइन क्या है। ए कंप्लीट असेसमेंट इंक्लूडिंग वाइटल साइन शुड बी डन बिफोर डॉक्यूमेंटिंग। सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे, बाकी इंटरवेंशन उसके बाद की कंडीशन होगी। यदि आप बुलेट्स हमारे बराबर देख रहे हैं तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रायोरिटी वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, दैट फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन ऑलवेज असेसमेंट। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें असेसमेंट को देनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 190। ए पेरिफेरल नर्व और डोर्सम कॉलम स्टिमुलेटर इज इंप्लीमेंटेड। ए पेरिफेरल नर्व और डोर्सम कॉलम स्टिमुलेटर इज इंप्लीमेंटेड। एक पेरिफेरल और डोर्सल कॉलम स्टिमुलेटर इंप्लीमेंट किया टू एले दूर, एले मींस दूर करना। ए नर्स क्लाइंट इंट्रेक्टेबल पेन, क्लाइंट के इंट्रेक्टेबल पेन को या जो ठीक, इंट्रेक्टेबल पेन मींस जो पेन या जो दर्द ठीक नहीं हो सकता, मतलब जिसको क्योर नहीं किया जा सकता, केवल कंफर्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। व्हाट डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव द क्लाइंट्स आफ्टर सर्जरी। क्लाइंट की सर्जरी के बाद कौन कौन से डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन देगी नर्स। ऑप्शन वन, टब बाथ शुड बी अवॉइडेड, टब बाथ अवॉइड करनी चाहिए। एनाल्जेसिक विल नो लॉन्गर बी नेसेसरी, लंबे समय के लिए एनाल्जेसिक की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। द ट्रांसमीटर मस्ट बी वोर्न एक्सटर्नली, ट्रांसमीटर एक्सटर्नली बाह्य रूप से लगा होता है। द ट्रांसमीटर विल इंटरफेयर विद इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ट्रांसमीटर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के साथ इंटरफेयर करता है, भारी रूप से जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसके साथ इफेक्ट करता है। ये इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 3, द ट्रांसमीटर मस्ट बी वोर्न एक्सटर्नली, ट्रांसमीटर ऑलवेज बाह्य रूप से अपेक्स होना चाहिए। जैसे हम पेचेस लगाते हैं पेन के लिए कंट्रोल करने के लिए, उसी टाइप से पेरिफेरल नर्व के पेन को कंट्रोल करने के लिए डोर्सम कॉलम स्टिमुलेटर भी आते हैं। रेशनल इलेक्ट्रोड आर अटैच टू द सेंसरी नर्व और ओवर द डोर्सम कॉलम। डोर्सम जो स्पाइनल का डोर्सम कॉलम है और जो सेंसरी नर्व है उसके साथ इलेक्ट्रोड को अटैच किया जाता है ट्रांसमीटर के, दैट इज वोर्न एक्सटर्नली, जो कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहते हैं पेचेस के समान। बाई इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन मे बी यूज टू इंटरफेयर विद द ट्रांसमीटर ऑफ पेनफुल स्टिमुलाई। पेनफुल स्टिमुलाई को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन का भी यूज किया जाता है। क्लाइंट में बात वेन द ट्रांसमीटर इज डिस्कनेक्टेड। क्लाइंट को बात तब लेना है, स्नान तब करना है जब ट्रांसमीटर हटा दिया जाता है या डिस्कनेक्ट किया जाता है। द क्लाइंट में नीड एनाल्जेसिक इन कंजक्शन, एनाल्जेसिक भी ट्रांसमीटर के साथ लेना है। द ट्रांसमीटर शुड नॉट इंटरफेयर विद अदर, ट्रांसमीटर अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइस के साथ कोई इंटरफेयर नहीं करता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही जो लड़ा नहीं है। आपका साहस ही आपको गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपना साहस, अपना आत्मसम्मान, अपना सेल्फ मोटिवेशन बना